दोस्तों, अगर आपके फोनपे के अंदर पैसे कट गए हैं तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फोनपे के अंदर जो पैसे कट गए हैं उसको वापस ला पाएंगे। और कितने तरीके से पैसे कटते हैं, पैसे प्रोसेसिंग में गया या सामने वाले के पास पैसे चला गया और फिर भी फेल बता रहा है, तो और आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए उसके पास नहीं पहुंचा, तो हम क्या करेंगे ऐसे में। बहुत सारे तरीके होते हैं ये पेमेंट इस तरह से कटने का। तो आज के इस वीडियो में आप जान पाओगे अगर आपके पैसे कट चुके हैं आपके बैंक अकाउंट से तो उसको आप वापस कैसे लाएंगे। वैसे ये फोनपे गूगल पे सब जगह काम करेगा, लेकिन मैं अभी फोनपे का यूज कर रहा हूँ। जैसे आपके सामने यहाँ पे प्रूफ है, ट्रांजेक्शन फेल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया था, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। मैं आपको बिल्कुल फ्री में आपके लिए मदद वाली हेल्पफुल वीडियो में लाते रहता हूँ। तो कमेंट में ये भी लिख दीजिएगा आपके अमाउंट, आपके कितने पैसे कट गए और कैसे कट गए थे। क्या आपने अपने दोस्त के पास भेजा था या किसी दुकान में भेजा था जो कि आपने पूरा पेमेंट कर दिया, आपके बैंक अकाउंट से कट गया और सामने वाला कह रहा है उसके पास नहीं गया। तो ऐसे में आपको कमेंट में लिख देना है फोनपे पेमेंट या पैसे कट गया, आपको ये कमेंट में लिख देना है और प्लस में अमाउंट आपका कितना कटा, 10,000, 5,000 या 500 रुपये भी आपका कटे हैं ना तो वो भी मायने रखता है। तो प्रोसेस सब में सेम ही है, तो कमेंट में लिख दीजिएगा और कहाँ से आप यह वीडियो देख रहे हैं। या अब यहाँ पर देखेंगे ना हिस्ट्री होता है सभी फोनपे ऐप के अंदर, तो बस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है हिस्ट्री पर। हिस्ट्री पर क्लिक कर देंगे ना तो यहाँ पर फिल्टर आएगा, या तो फेल्ड भी कर सकते हैं, आपका तुरंत हुआ है तो आपका तो 10, मान लीजिए आपका आज ही पैसा आपके साथ कट गया और आपको मान लीजिए आपके 10,000, 15,000, 20,000 या 1,00,000 रुपए आपके साथ ऐसा हुआ और आपको ना अभी तक पैसे मिले नहीं है तो क्या करेंगे। तो पहले तो ढूंढेंगे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, हो सकता है आपका एक महीने पहले हुआ हो प्रॉब्लम तो उसका भी यही उपाय है, टेंशन मत लीजिए। ऐसा नहीं एक महीना हो गया तो वो पैसा वापस नहीं आ सकता है, वो भी आएगा वापस। जो पेमेंट वाला फेल वाला प्रॉब्लम हुआ, पहले तो मैं उसको ढूंढूंगा ये कहाँ है, मेरा यहीं पे है, मैं ढूंढ रहा हूँ, ये है मेरा फेल वाला और यहाँ से हुआ था कि मेरा पैसा कट गया था और सामने वाले के पास पहुँचा ही नहीं। ये पेट्रोल पंप पे ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैंने 3 बार पेमेंट कर दिया। कभी कभी आपका प्रोसेसिंग में भी पेमेंट चला जाता है तो घबराने की बात नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि मुझे हर एक पॉइंट को आपको बताना पड़ेगा, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन हर एक चीज़ को आपके लिए समझना ज़रूरी है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन फेल्ड, तारीख डेट सब लिखा हुआ है। एक तो पहला काम करना है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है आपका, इसका मैं यूज बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ साफ योर पेमेंट फेल्ड ड्यू टू ए टेक्निकल इशू, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, तो इस तरह से कुछ है। लेकिन ये तो कह रहा है टेक्निकल इशू की वजह से मेरा पेमेंट नहीं हुआ है, बट एक्चुअली मेरा पेमेंट तो हो गया, अब मेरे अकाउंट से तो कट गया पेमेंट। और ये ऐसा बता रहा है पहला वेरीफाई करने का तरीका, जो सामने वाला कह रहा है कि वो पैसा नहीं गया है, पहला तरीका ये है उसको फ़ोनपे में बोलिए जाने के लिए, या हाँ फ़ोनपे में, और फिर वो हिस्ट्री में वो चेक करके आपको स्क्रीनशॉट भेजे कि हाँ आपको मतलब पैसा आपको नहीं मिला है, इस तरह से आपको कह लीजिए या आपके कॉन्टैक्ट में जाके वो बता देगा। तो ये पहला वेरीफिकेशन हो गया कि हाँ भाई वो, तब आप सब मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं पहुँचा और बस ऐसे ही फेल या प्रोसेसिंग में अटका हुआ है, तब इस केस में क्या करेंगे। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा है सामने वाला, तो मतलब सही बोल रहा है कि उसके पास नहीं पहुंचा, तब क्या करेंगे। हाँ, यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कॉन्टैक्ट फोनपे सपोर्ट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे भाषा आएगा हिंदी इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने देखिए अपना लैंग्वेज इंग्लिश कर दिया था, लेकिन आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो हिंदी में लिख लीजिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि जो जो आपको लिखना होता है ना आप पहले से लिख दीजिए हिंदी में तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर मुझे आ रहा है संदीप कुमार, योर पेमेंट 658 रुपये फेल्ड ड्यू टू टेम्प्रोरी टेक्निकल डिफिकल्टीज, और ये पूछ रहा है If any amount was debited, it will be refunded by your Axis Bank within 3 to 5 days. ये ऐसा बता रहा है कि मुझे 3 से 4 दिन में मिल जाएगा, लेकिन मुझे अभी तक पैसे मिले नहीं हैं। तो मैं आपको लिखूँगा Money has left my account. Where is my payment? Why is my payment falling repeatedly? None thank of you. मतलब ये कह रहा है अगर आपका एक बार पैसा कटा है तो भी टेंशन मत लीजिए, 3 दिन में आपको पैसे वापस आ जाएंगे, 3 या 5 दिन में। और ये कह रहा है दूसरा ऑप्शन में कह रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, why my payment is falling
रिपीटेडली, मतलब कि मेरे पैसे अगर एक बार, मैंने कहा था ना कि मैंने तीन बार पेमेंट कर दिया था, अगर तीनों बार आपके कट गए हैं तो आपको ये कमेंट कर देना है वाई इज माई पेमेंट फॉलिंग रिपीटेडली, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। लेकिन मेरा हुआ था कि मनी हैज़ लेफ्ट माई अकाउंट, मेरा असल में ये प्रॉब्लम है, तो मनी हैज़ लेफ्ट माई अकाउंट, तो ये आप जो कर दोगे तो फिर आपके अति पे ना ऑटोमेटिक वो एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो श्योर, लेट्स चेक ऑन दिस। आई सी दैट यू चेकड योर बैंक स्टेटमेंट एंड फाउंड दैट यू डिड नॉट रिसीव ए रिफंड। यस, आई डिड नॉट गेट रिफंड। असल में आई विल चेक माई स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहले अपने बैंक का स्टेटमेंट चेक करिए कि आपको पैसे मिले या नहीं। हो सकता है पेमेंट फोन पे जो है मतलब ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भेजना भूल गया, तो असल में मेरा पैसा आ चुका था जब मैंने बैंक स्टेटमेंट देखा था, तो इसलिए मैं कहूँगा यहाँ ठीक है, यस आई चेक्ड माई स्टेटमेंट, आई विल चेक माई स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट मैंने असल में चेक कर लिया था, तो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं हुआ, इस तरह से मेरे पैसे आ गए। नहीं तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो मेरा पेमेंट नहीं आता है वापस, स्टेटमेंट मैंने चेक किया बैंक वाले जाके, अब बैंकिंग ऐप में जाके, अगर मेरा स्टेटमेंट वहाँ नहीं पैसा दिखा रहा है आने वाला, मतलब सिर्फ कट गया है, तो मैं वापस से यहाँ पे आऊँगा और बोलूँगा कि अभी तक पैसे मुझे नहीं मिले हैं, तो फिर यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। असल में एक्शन लिया जाता है, ये मत सोचिए कि इसको इग्नोर किया जाता है। आपने यहाँ पे मैसेज कर दिया, सिर्फ बातें होती है, ये रोबोट रिप्लाई कर रहा है तो हमारा काम नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, असल में काम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से फिर यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाए, फिर आपके बैंक में पैसे नहीं, यहाँ पे खैर आपको ना टाइम लिया जाएगा, अगर आप एक्शन लेगा तो वहाँ पे ना 5 से 7 दिन का आपको टोटल टाइम लगेगा, लेकिन आपके पैसे मिल जाएंगे, यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। मैंने खुद यार बहुत बार ऐसा मैंने प्रॉब्लम फेस किया है, पैसे वापस आ जाते हैं, और इसके बावजूद अगर नहीं आते हैं, लास्ट सॉल्यूशन बचता है, आपको बैंक अकाउंट जाना है, जो स्क्रीनशॉट वाला फेल्ड अमाउंट था वो, अगर आपको कह रहा है फ़ोन पे कि पैसा मैंने भेज दिया लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको बैंक में जाना है स्टेटमेंट लेके। अभी मैं यहाँ पे ओके गॉट इट कर देता हूँ, यहाँ से मैं बाहर निकल जाता हूँ। जो यहाँ पे अपना भाषा सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपको प्रॉब्लम हो वही बताइएगा, तो आपका काम 100% हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल है, बस आपको उस बैंक में जाइए और वहाँ पे आपको वो पेमेंट वाला जो था, कहाँ है वेट, हाँ, ये स्क्रीनशॉट लेके आपको फोटो स्टेट निकलवाना है। फोटो स्टेट निकलवाना जरूरी है क्योंकि बैंक वाले ऐसे नहीं सुनते हैं। जब आप अगर एप्लीकेशन आप लिख दोगे तब तो नहले पे दहला हो गया, वो तो 100% उस पर आपको जवाब देना ही पड़ेगा उसको। अगर आप एप्लीकेशन लिख के कि विषय पैसे कटने के संबंध में, सर मेरा ये चीज़ है, मेरा इस तारीख को मैंने पेमेंट किया था, इतने 1000 रुपये या इतने 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये मेरे पैसे कट गए और मेरे पैसे अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो इस पर एक्शन लिया जाए, तो बस आप ये लिख दोगे और ये स्टेटमेंट जो आपका स्क्रीनशॉट है वो अटैच कर दो, बस टेंशन लेने का बात ही नहीं है। वो बैंक वाला, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज़ का चेक करना। वो आप एप्लीकेशन ना बस रिसिप्ट आप ले लो बैंक से कि हाँ आपको, आपने उसको एप्लीकेशन दिया, ये प्रूफ, बस आप घर बैठ के सो जाओ और आपको पैसे, हो सकता है 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई लिया जाएगा और पैसे आपको मिलेंगे वापस। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, लाइक कर दीजिएगा, कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिए, और आपको ये वीडियो सुनने में देखने में अगर कन्फ्यूजन लगा है ना, दोबारा देख लीजिए इस वीडियो को, तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा मैंने क्या क्या बोला। शायद आप पहली बार आपने ऐसा काम नहीं किया है, आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो पहली बार आप जब मेरा वीडियो देखेंगे शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, आपको लग रहा हो कि यार क्या एडवांस ये बकड़ा है, तो इसलिए आप दोबारा देख लो वीडियो, समझ जाओगे। कमेंट में लिख देना है कितने अमाउंट का आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, और ताकि मुझे भी आइडिया लगे, और पेमेंट प्रोसेसिंग में गया या फेल में गया या सामने वाले के पास रिसीव नहीं हुआ या सामने वाले के पास रिसीव हो गया लेकिन आपको, आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअल में क्या बात है वो कमेंट में बताइएगा, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हमें बताइएगा कमेंट में।